उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही तय कर चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत कब युद्ध करेगा। स्वतंत्र देव सिंह से चीन घबरा गया है। भारत से हार के ख्याल से चीन की नींद उड़ गई है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति चीन की जनता को भरोसा दिलाने के लिए भारत को युद्ध में हरा देने का सपना देख रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में दावा किया गया है कि अगर चीन और भारत के बीच युद्ध शुरू होता है तो भारत की हार तय है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह के दावे से भारत के लोगों में गलत समझ पैदा होगी कि भारत इतना शक्तिशाली है कि चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध में उसकी ही जीत होगी। वांग वेनवेन का कहना है कि सेना के साथ साथ अन्य मामलों में भी चीन भारत से कहीं अधिक मजबूत है। ग्लोबल टाइम्स ने लेख में कहा है कि भारत राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति है, लेकिन चीन के साथ युद्ध की स्थिति में हार तय है। चीन भारत से कितना डरा हुआ है, ये बात इसी से समझी जा सकती है कि वो राज्य स्तर के नेताओं के बयान से भी घबरा जा रहा है। भारत की तरफ से आया हर बयान चीन की धड़कनें बढ़ा रहा है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स काल्पनिक दावे कर रहा है, चीनी सेना के शौर्य का बखान कर रहा है, लेकिन चीन हमेशा भूल जाता है कि भारत ने कई मौकों पर चीनी सेना को धूल चटाई है। वो हमेशा भूल जाता है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं। आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन सेना है और चीन की सीमा पर चालबाजी उसे बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।